भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि बेरोजगारी एक संयोग है या एक प्रयोग। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि बेरोजगारी ना तो संयोग है और ना ही प्रयोग। बेरोजगारी एक जनसंख्या विस्फोट है। केंद्र सरकार रोजगार दे रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण प्रति वर्ष 1 करोड़ नए युवक रोजगार प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि वे बेरोजगारी एक संयोग है या एक प्रयोग। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि बेरोजगारी न तो संयोग है न ही प्रयोग है। बेरोजगारी एक जनसंख्या विस्फोट है। केंद्र सरकार रोजगार दे रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण प्रतिवर्ष 1 करोड़ नए युवक रोजगार प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं। शांता कुमार ने सरकार से आग्रह किया कि लगे हाथ जनसंख्या कानून भी बना दिया जाए, ताकि इस प्रकार के लोगों को दोबारा शाहीन बाग बनाने का कष्ट न करना पड़े। ये लोग धरने पर बैठे हैं, इसी बार दूसरा कानून बना दिया जाए। शांता कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त को अपने भाषण में देश की बढ़ती जनसंख्या विस्फोट शब्द का प्रयोग किया था। बढ़ती जनसंख्या अब एक खतरनाक मोड पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है, लेकिन देश में हर वर्ष 1 करोड़ 60 लाख आबादी बढ़ रही है। इसी कारण गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सरकार के प्रयत्नों से आर्थिक प्रगति हो रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण गरीबी और आर्थिक विषमता भी उससे अधिक बढ़ रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। बेरोजगारी यहां तक पहुंच गई है कि चपरासी के पद के लिए एमए बीए उम्मीदवार बन रहे हैं। शांता कुमार ने कहा कि इस जनसंख्या विस्फोट से बचने के लिए देश को अतिशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना पड़ेगा। अब देश का संकल्प होना चाहिए कि हम दो हमारे दो और अब सबके भी दो। शांता कुमार ने कहा कि सरकार जब ये कानून बनाएगी तो यही लोग एक बार फिर से जगह जगह शाहीन शांता कुमार ने कहा कि सरकार जब ये कानून बनाएगी तो यही लोग एक बार फिर से जगह जगह शाहीन बाग बनाकर धरने पर बैठेंगे। इस देश के बहुत से मुसलमान देशभक्त हैं और अपने आप को विदेशी लुटेरों के वंशज नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत से ओबीसी मनोवृत्ति वाले अपने आप को विदेशी लुटेरों के वंशज समझते हैं और यही शाहीन बाग जैसे धरनों पर बैठे हैं। उन्हीं को नागरिकता कानून से परेशानी हो रही है और उन्हीं को जनसंख्या कानून से भी परेशानी होगी। देखिये, मैंने कल सुना कि प्रियंका गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से पूछा है कि जो बेरोजगारी है ये संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग शाहीन बाग के बारे में किया। तो मैंने ये कहा कि बढ़ती बेरोजगारी न संयोग है न प्रयोग है, ये एक जनसंख्या विस्फोट है। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने भाषण में इस समस्या का जिक्र किया और शब्द प्रयोग किया जनसंख्या विस्फोट। नई सरकार जो कुछ हो सकता है वो कर रही है, जो नहीं हो सकता वो उनके बस में नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं वो भी ठीक है, और विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है वो भी ठीक है। असली कारण है कि हर वर्ष 1 करोड़ 60 लाख नए लोग पैदा हो जाते हैं और हर वर्ष 1 करोड़ नए जॉब सीकर खड़े हो जाते हैं, कोई उनको रोजगार नहीं दे सकता। और मैं समझता हूँ अब ये समस्या गंभीर संकट बन गई है, सिर से पानी निकल गया है। अब बहुत जल्दी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना चाहिए। और मैंने तो कहा कि यह कानून लगे हाथों बना लिया जाए।